हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। सो दोस्तों, मैट्रिसेस की पिछली क्लास में हमने बेसिक से पहले सीखा था कि मैट्रिसेस होता क्या, कैसे उसको डिफाइन किया जाता है, उसको कैसे सिम्बलाइज किया जाता है। तो पिछली क्लास में डिस्कशन कर चुके थे। तो आज के वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि मैट्रिसेस के कितने प्रकार के टाइप होते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का पहला टाइप होता है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो जो हमारा पहला टाइप होता है मैट्रिसेस का, वो हमारा होता है रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स क्या होता है? रो मैट्रिक्स का एग्जांपल देखिए मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ करिए यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिखा है, एक कोई एक मैट्रिसेस जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 2, 3। ठीक, अब इसमें क्या है, रो मैट्रिसेस का एक हमेशा आप याद रखिएगा, रो मैट्रिसेस में क्या होगा, आपको हमेशा ओनली वन रो आपको दिखेगी यहाँ पे, मतलब कुल मिला के एक ही रो यहाँ पे आपको दिखेगी। आप जैसा कि यहाँ देख सकते होंगे कि यहाँ पे आपको एक ही रो दिख रही है ना, एक रो दिख रही है, इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रो मैट्रिक्स हो जाएगा। समझ गए ना? अब देखिए, जैसे ये हमारा ये है, अब जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछता है कि क्या ये रो मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी रो मैट्रिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि ओनली वन रो होनी चाहिए, है ना। और इसमें कितनी रो हैं, इसमें आप देख सकते हैं एक रो ये है, एक रो ये है, दो रो हैं इसमें, तो ये हमारी रो मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो समझ गए ना, उसमें क्या होनी चाहिए, केवल और केवल एक रो ही होनी चाहिए, वन रो होनी चाहिए केवल, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, वो हमारी रो मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट टाइप हमारा क्या कहलाता है, नेक्स्ट टाइप हमारा कहलाता है कॉलम मैट्रिक्स। ठीक, कॉलम मैट्रिक्स। अब इसमें क्या है, इसकी भी डेफिनेशन वही है कि इसमें क्या है, ओनली वन कॉलम होना चाहिए यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमारा वन कॉलम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम लिखते हैं, एग्जांपल पे जैसे हमने लिखा बी ले लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं 4, 5, 6। ठीक, अब देखिए ये तो है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि क्या ये कॉलम मैट्रिक्स है, है ना, तो ये हमारी कॉलम मैट्रिक्स नहीं है। समझ गए ना, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें वन कॉलम नहीं है, इसमें एक और दो कॉलम है, है ना, दो कॉलम है ना। ये देखिए, एक कॉलम ये हो गई, एक कॉलम ये हो गई, तो हमारी दो कॉलम हो गई। ना ये रो मैट्रिक्स है, ना ये कॉलम मैट्रिक्स है, दोनों में से कोई भी नहीं है ये। ठीक, समझ गए ना आप। तो ये डिफिनेशन के हिसाब से मैंने आपको बता दिया और मैंने एग्जांपल इसको लेके बता दिया। अब आज चलते हैं थर्ड नंबर के मैट्रिसेस की ओर। तो थर्ड नंबर हमारा क्या कहलाता है, थर्ड नंबर हमारा कहलाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। थर्ड नंबर हमारा क्या कहलाता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आप लोगों ने आयत देखा है रेक्टेंगल, है ना, रेक्टेंगल इस तरीके का होता है। ठीक, इस तरीके का आपने देखा हुआ, तो कहने का मतलब ये है कि इसमें m और n जो हमारे रो और कॉलम होते हैं वो बराबर नहीं होने चाहिए, है ना। अब इसका एग्जांपल लेके आपको बताते हैं। सपोज़ करिए यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखिए यहाँ पर हमारे रो कितने, यहाँ पर हमारे रो हैं एक और दो, तो हमारे दो कॉलम कितने हैं, तीन, तो m क्रॉस n लिखते हैं ना, तो हमने क्या लिख दिया, हमने यहाँ पे लिखा 2 क्रॉस 3, मतलब 2 बाई 3 भी बोल सकते हैं। तो हमारा m बाई n में हमने क्या लिखा, m बाई n में हमने लिखा 2 इंटू 3, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हमारी रो जो है 2 है और कॉलम 3 है। ठीक है, तो इसमें m और n दोनों बराबर तो नहीं है, है ना, यही तो डेफिनेशन थी हमारी कि m और n बराबर नहीं होनी चाहिए, रो और कॉलम बराबर नहीं होने चाहिए, तो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। और देखिए इस तरीके का ये दिख भी रहा है, आयत जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए ना। अब देखिए एक चीज़ और आप देख लीजिएगा, ठीक, अगले नंबर पर बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कुछ इस तरीके का दिख जाता है आपको, सपोज़ करिए यहाँ पे इस तरीके का कुछ है, डी मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6,
तो हमारी क्या है, तीन रो है और दो हमारी कॉलम है ना, ये वाली रो हो गई हमारी, ये वाली कॉलम हो गई, तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये हमारा इस तरीके का रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया है ना, है तो रेक्टेंगल ही ना, रेक्टेंगल के जैसा दिख रहा है ना, तो हमारा क्या कहलाएगा, ये भी हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है, समझ गए। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रकार के मैट्रिसेस के टाइप पर। तो हमारा नेक्स्ट टाइप का मैट्रिसेस का टाइप कौन सा है, उसका नाम है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक। अब जैसा कि आप देख सकते हैं इसके नाम से ही पता चल रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स कहने का मतलब, जैसे स्क्वायर आपने देखा होगा तो उसमें क्या होता है, सभी साइडें इक्वल होती हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो एग्जांपल, इसमें क्या होगा, एम और एन बराबर होंगे, बिल्कुल है कि नहीं, जो हमारी रो होंगी वही हमारी कॉलम होंगी, रो भी हमारी इक्वल होगी और कॉलम भी इक्वल होगी, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक्स हमने लिखते हैं यहाँ पे 1, 2, 4, 5, ठीक, ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। ऑर्डर अब इसका क्या है, ऑर्डर इसका है हमारा 2x2 का, ठीक है ना। एक और भी लिख सकते हैं इसमें, जैसे मान लीजिए इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो इसमें क्या है, तीन रो है, तीन कॉलम है, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, ये भी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। तो इसमें क्या है, एम और एन बराबर होनी चाहिए, जितनी रो है उतनी कॉलम होनी चाहिए, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, वो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है, समझ गए ना आप। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रकार के टाइप की, जिसका नाम है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो हमारे पाँचों नंबर का है, इसका क्या नाम है, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखिए इसमें एक चीज़ आप देखिएगा कि इसमें क्या होता है, जो नॉन डायगोनल होते हैं वो आपके जीरो होने चाहिए, नॉन डायगोनल क्या होंगे, नॉन डायगोनल जीरो होंगे। जैसे एग्जांपल हम इसका लिखते हैं, एग्जांपल जैसे 1, 0, 0, 4 है ना, तो डायगोनल हमारा प्रिंसिपल डायगोनल क्या है, हमने पिछली क्लास में आपको बताया था, ये हमारा, ये वाला हमारा प्रिंसिपल डायगोनल, ये हमारा डायगोनल कहलाएगा, ठीक है। और नॉन डायगोनल कौन सा है, नॉन डायगोनल हमारा ये वाला है और ये वाला है, है ना, ये हमारा जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसी को डायगोनल बोला जाता है, और ये हमारा क्या कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि इसमें नॉन डायगोनल वाले एलिमेंट्स जीरो हैं, ये देखिए नॉन डायगोनल वाले इसमें एलिमेंट्स जीरो हैं। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको किस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ए आई जे इक्वल टू जीरो, किसके लिए, फॉर ऑल आई डज नॉट इक्वल टू जे। कहने का मतलब ये है कि जो जहाँ जहाँ हमारे आई होंगे, जैसे मान लीजिए ए 11 है, इसमें ए 12 है ना, इसमें ए 21 है, ए 22 है, हमने पिछली क्लास में आपको बताया था ए 11, ए 12, ए 21, ए 22 कैसे निकालना है, आपने नहीं देखी हो तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। 11 कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमने बताया था ना आपको कि 11 के लिए ये तो हम कट गया यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा 1 आएगा ना, इस तरीके से हम बता चुके थे, तो 1 आएगा। ए 12 में हमारा क्या आएगा, 0 आएगा, ये वाला आएगा। ए 21 में 0 और ए 22 में 4। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए आई जे हमारा 0 होना चाहिए, फॉर जब हमारा आई जे के बराबर नहीं होगा। तो आई देखिए यहाँ पे आई और जे बराबर हैं, बिल्कुल बराबर हैं। इस वाले में 1 1 देखिए, आई भी बराबर है, जे भी बराबर है, तो हमारा इसमें जीरो नहीं होगा। इसमें क्या, आई और जे बराबर नहीं है इसलिए इसमें जीरो हुआ, आई और जे बराबर नहीं इसलिए इसमें जीरो हुआ, ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, आपको क्यों लिखना याद रखना है कि जो हमारे डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो हमारे क्या होंगे, वो हमारे एलिमेंट्स जो नंबर होंगे वो होंगे, और जो नॉन डायगोनल होते हैं, नॉन डायगोनल्स केवल जीरो होंगे, ठीक है ना। नॉन डायगोनल्स के अलावा कोई भी जीरो नहीं होगा इसमें, तो डायगोनल का एलिमेंट्स की ये डेफिनेशन, ठीक है, आप समझ गए ना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पर। तो नेक्स्ट टाइप हमारा क्या कहलाता है, नेक्स्ट टाइप हमारा कहलाता है स्केलर मैट्रिक्स। अब देखिए स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, अब देखिए स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर का मतलब क्या होता है, इसमें नॉन डायगोनल जीरो होंगे और डायगोनल एलिमेंट्स बराबर होंगे, है ना। इसकी डेफिनेशन आप लिख लीजिए, नॉन डायगोनल जीरो होते हैं और क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना,
डायगनल एलिमेंट। अब देखिए इसका एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल इसका है 4004, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। एक इसका और लिख के बता देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डायगनल एलिमेंट, ये देखिए डायगनल एलिमेंट है, तो ये हमारे क्या है, सेम है, मतलब इक्वल है, ये बराबर है, ठीक है। नॉन डायगनल क्या है हमारा, नॉन डायगनल हमारे 0 0 है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। बाकी इसके डिफिनेशन इस तरीके से भी है ए आई जे वाली, लेकिन हम आपको इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल हो जाती है, ज़्यादा थोड़ा सा याद करने में थोड़ा सा कठिनाई होती है, इसलिए हम केवल नॉर्मल बता रहे हैं कि स्केलर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें नॉन डायगनल 0 होते हैं और डायगनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं, ठीक है। डायगनल एलिमेंट्स हमारे इक्वल होंगे और नॉन डायगनल्स हमारे 0 होंगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप। तो नेक्स्ट टाइप हमारा सेवन्थ नंबर पे, सेवन्थ नंबर पे हमारा कौन सा है, सेवन्थ नंबर पे हमारा यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट वाले को मैट्रिक्स को और क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोला जाता है ना। इसको कैसे, एग्जांपल आपको बताता हूँ कि जैसे यूनिट मैट्रिक्स इसमें बोल रहा है, ठीक है, तो आई से डिनोट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 लिखा है, इसका मतलब 2x2 का इसमें है। अब देखिए ये यूनिट मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसमें होता क्या है, इसमें प्रिंसिपल डायगनल तो ये तो सेम होता ही है, और सेम के साथ साथ 1 होगा। देखिए सेम होगा तो वो आपका स्केलर मैट्रिक्स भी है। अब देखिए ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स भी है और यूनिट मैट्रिक्स भी है, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स हमेशा स्केलर मैट्रिक्स होता है, बट स्केलर मैट्रिक्स जरूरी नहीं कि वो यूनिट मैट्रिक्स हो। यूनिट मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, यूनिट में 1 1 लिखा होगा और नॉन डायगनल्स में 0 होंगे, तो वो हमारा यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। और ये हमारा 2 क्या शो करता है, 2 का मतलब 2x2 का ऑर्डर है इसका, m और n रो 2 हैं और कॉलम भी 2 हैं, ये हमारा I2 शो करता है, इसको लिखने का ये तरीका होता है, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हैं नॉन डायगनल, नॉन डायगनल हमारे क्या होंगे 0 और डायगनल एलिमेंट्स क्या होंगे हमारे 1 होंगे, ठीक है ना, समझ गए ना, पूरा लिख नहीं रहे आप समझ जाएंगे। अब देखिए इसको I3 जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, 1 1 1 हमने इधर लिख दिया, ठीक है, प्रिंसिपल डायग्राम हमने लिख दिया, और जितने बचेंगे सब जगह हम 0 लिख देंगे, ठीक। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये 3x3 का हमारा हो गया यूनिट मैट्रिक्स, और ये 2x2 का था। यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। और हमने एक चीज़ आपको बताई, ये नोट करके आप उसको ज़रूर लिख लीजिएगा, नोट, नोट में क्या लिखना है कि जो एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो स्केलर मैट्रिक्स भी होता है ना, बता चुके हैं आपको, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स, है ना, बता चुके हैं आपको। क्योंकि देखिए जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना ये, तो देखिए इसमें साफ साफ 1 1 तो लिखा ही है, इसका मतलब इसके प्रिंसिपल डायगनल सेम भी हैं, तो सेम की वजह से वो स्केलर हो गया है ना, सेम की वजह से स्केलर हो गया है वो, ठीक है। तो दोस्तों आज इतना ही रखते हैं, इसके बाद वाले जितने टाइप हैं उसको हम कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।